अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान, आज ही पहुँचें SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिलें। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली अस्पताल रोड। सरकार के द्वारा नए नियम लागू कर राशन कार्ड से लोगों का नाम काटा जा रहा है, ऐसे में लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। जहां बिहार में अभी तक 28 लाख से ज्यादा लोगों का राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है, तो वहीं सिवान में 1 लाख से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड से नाम काटे जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में कुछ वैसे भी परिवार हैं जिनके घर के लोग या तो पेंट का काम करते हैं या मजदूरी कर घर का पालन पोषण करते हैं, ऐसे लोगों के भी नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं। वहीं सिवान के वार्ड नंबर 11 के लगभग दर्जनों घरों में ऐसे ही लोगों का नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है, जो या तो पेंट का काम करते हैं या किसी और के घरों में बर्तन मांझ कर अपने परिवार चलाते हैं। लोगों का कहना है कि उनसे किसी तरह से कोई पूछताछ नहीं हुआ और जब वो लोग राशन लेने डीलर के पास पहुंचे तो डीलर ने कहा कि अब राशन नहीं मिलेगा क्योंकि राशन से आप सभी का नाम काट दिया गया है, आप लोग वार्ड पार्षद से मिलें। जिसके बाद लोगों ने अपने वार्ड पार्षद से संपर्क किया। वहां वार्ड पार्षद सोनी गुप्ता और उनके पति देवेंद्र गुप्ता ने इस समस्या को सुनने के बाद खुद सिवान SDM रामबाबू बैठा से मिलकर उनको एक आवेदन देते हुए बताया कि ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए हैं जो सही मायने में मजबूर हैं। वहीं देवेंद्र गुप्ता के इस पहल के बाद SDM रामबाबू बैठा की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है कि इसकी जाँच की जाएगी। अब देखना यह होगा कि वार्ड पार्षद के पहल के बाद लोगों का नाम एक बार फिर से जोड़ा जा रहा है या अब इनको राशन से वंचित रहना होगा। देखिए, नया जो नियम आया है, ऐसा ज्ञात हुआ कि सरकार सर्वे करा रही है जो सक्षम लोग हैं उसके नाम काटे जाएंगे, लेकिन आज इस मई के महीने में जो उपभोक्ता जो गरीब लोग हैं वो दुकानदार के पास गए तो दुकानदार का सीधा कहना है कि आपका नाम कैंसिल हो चुका है। और वैसे लोग कैंसिल के नाम में लिस्ट में गए हैं जो कोई पान बेचता है, कोई मंदिर के दरवाजे पर प्रसाद बेचता है, कोई भुजा बनाता है, कोई भुजा बेचता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई घर में चूल्हा चौका बर्तन करके काम करता है। ऐसे मतलब मेरे वार्ड के मात्र 15 लोग वैसे हैं। मुझे लगता है कि समय 2-3 दिन आएगा ये संख्या हज़ारों में पहुँचेगा। इसलिए मैं सरकार से अभी मैंने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से मैंने निवेदन किया है कि आप अपने स्तर से जाँच कराए और जो सक्षम लोग हैं उनका नाम काटिए, लेकिन जो गरीब हैं, एक तरफ सरकार गरीबों के लिए समर्पित करने की बात करती है और दूसरे तरफ ये भद्दा मजाक जो ऐसे लोग जो दूसरे के घरों में बर्तन चौका करके अपना पेट पालते हैं, कोई कपड़ा धोता है, ये प्रसाद बेचते हैं, ये पेंटिंग करते हैं, ये भुजा बनाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, आप उनको आप राशन से वंचित करिएगा तो उनके सामने भुखमरी खड़ा हो जाएगा, वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, मैंने जिला पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सभी लोगों से कि आप इस पर एक अच्छा निर्णय लें और गरीबों को राशन अवश्य मुहैया कराएं, ऐसा निवेदन है। सरकार ऐसा कौन सा सर्वे करवा रही है जिसमें सिर्फ गरीबों का ही राशन काटा जा रहा है? देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत जायज है, मेरा छूट भी आता है, कहीं ना कहीं ये सारा जाँच प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कोई ऐसा चीज़ हो, आयुष्मान भारत भी है, वो भी गरीब लोग उससे वंचित हैं, तो सरकार को मेरा तो मानना है, मैं चूँकि 2 बार मैं पार्षद रहा, तीसरी बार मेरी पत्नी पार्षद है, तो जो कांग्रेस का जो ये सर्वे था खाद्यान्न योजना, उसी को आयुष्मान भारत, उसी को सारे चीज़ों में लागू कर देना, वो तो खुद ही भ्रष्ट सरकार थी और उसी योजनाओं को अभी भी हम लोग चला रहे हैं, तो इस पर पुनर्विचार कर, सरकार बदली व्यवस्था नहीं बदली, तो व्यवस्था बदलनी चाहिए, नया सर्वे हो, नए लोग चुन के आए, अच्छे लोग जो चिन्हित करें कि भाई कौन पात्रता है, कौन गरीब है, उसको निश्चित रूप से अनाज मिलना चाहिए, उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम राशन कार्ड लिए आए हैं सर, यहाँ पे हम लोग को राशन मिलता था हर एक महीने, इस महीने हम अपनी माँ को भेजे हैं राशन उठाने के लिए, तो दुकानदार बोला कि राशन आपका नाम कट चुका है राशन लिस्ट से, और हम मजदूरी करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं। हाँ, अमीर आदमी, वही बात है। क्या काम करते हैं? पेंटिंग का काम करते हैं जी, 500 रुपये कमाते हैं डेली, रोज कमाते रोज खाते, उसमें महीना 20 दिन काम करते हैं, नहीं भी काम करते हैं तो भी मेरा नाम काट दिया गया है। कोई
आए थे सर्वे करने घर पर? नहीं, घर पे तो कोई नहीं आया था पूछने के लिए, ना कोई नहीं हमारा सर। हम गए राशन लेने तो बोले कि आपका नाम कट गया है। तो हम बोले कि भाई हम कैसे होगा, तो जाइए वार्ड कमिश्नर पता लगाइए कैसे कहा होगा। तो गए तो बोले कि चलिए हम लोग चल रहे हैं कचहरी में साहब के लगे, हम लोग आए हैं मंदिर में प्रसाद बेचते हैं। जी जी, यही रोज का दो दिन बिकवे करता है मंगल और शनिचर, और दिन घर बैठते हैं। हाँ, कोई काम नहीं है। सरकार की नज़र में तो आप अमीर है, तभी। हाँ, अमीर है तभी ना कटा है। हाँ, अमीर गरीब है, गरीब है ना अमीर है, कुछ नहीं करते घर घर पर। बस दो दिन बाद शनिवार मंगल बाबू कपड़ा धोई ले सन प्रेस घर घर पहुँचा ले सन। हाँ, कपड़ा धोई बाबा नजर में बानी तबे न राशन के गमी तो कहन कि तार ना कार्ड कट गई बा, कार्ड बंद हो गई बा, फोन करम सत अह।